हेलो क्लास थर्ड, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नाम से ही काफ़ी अच्छा सा लगता है ना, और बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं फेस्टिवल्स के नाम से, सारे ही एंजॉय करते हैं, है ना। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स जो हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, और अलग अलग फेस्टिवल्स पर अलग अलग डिशेस भी बनाई जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया में कितने टाइप के फेस्टिवल्स जो हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, और किस फेस्टिवल में हम क्या स्पेशल करते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है आपको करने के लिए, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ इन फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं कि ये पिक्चर जो है, जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो किस फेस्टिवल से रिलेटेड है। ओके, नाउ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। फेस्टिवल जो है वो बिल्कुल सेलिब्रेशन का टाइम होता है, सारे एंजॉय करते हैं, काफ़ी मौज मस्ती करते हैं, एंड दे आर मैनी फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं मनाए जाते हैं, है ना। तो मोटे तौर पर हम जो हमारे फेस्टिवल्स हैं जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया आर नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो हम तीनों ही टाइप के फेस्टिवल्स को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 72। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स जो हम स्कूल में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना। यस, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट डेज इन हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। तो जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो हम कुछ हमारे जो हिस्ट्री में बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डेज थे उनको हम याद करने के लिए इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर थ्री नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हमारे इंडिया में थ्री नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं हम सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी इस फेस्टिवल को जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था, है ना। तो ये डे तो सभी को अच्छे से याद होगा, 15 अगस्त। हम अपने स्कूल में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो नेक्स्ट रिपब्लिक डे, है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हो हर 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट गांधी जयंती। गांधी जयंती जो कि गांधी जी के जो बर्थ डेट है उसी दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गांधी जी का हमारे फ्रीडम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। तो इसीलिए हम इनके जो बर्थडे है उसको भी हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इन तीनों फेस्टिवल को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। जो इंडिपेंडेंस डे है हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त। इसमें आपको ना रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे जो हैं इनको डेट्स को जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द डे ऑफ ऑन विच वी बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। ये दिन जो है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन 1947 में हम ब्रिटिश रूल से फ्री हुए थे, आज़ाद हुए थे, और इससे पहले यानी कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा जो देश है, आपको पता है
हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वही हमारे ऊपर रूल करते थे और जैसा वो चाहते थे हमें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ता था। जैसे हम अब कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो भी हमें अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, हमें उनको ही उनके रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता था। इसीलिए ये जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। और इसी दिन हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो नेशनल फ्लैग यानी कि भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको दिल्ली के रेड फोर्ट पर होइस्ट करते हैं। होइस्ट करते हैं मीन्स फहराते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। इसी दिन जो हाँ ग्रैंड परेड यानी कि बहुत ही शानदार आलीशान जो परेड है न्यू दिल्ली में राजपथ पर हर बार की जाती है। एंड द आर्म्ड फोर्सेस पुलिस एंड स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द परेड। और ये जो परेड होती है इसमें आर्म फोर्सेस यानी कि जो भी आर्मी पर्सन्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, इवन स्कूल के जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी दिन हमारा जो भारत का संविधान जो था वो लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी को याद करते हुए संविधान, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान क्या है, क्या होता है, लेकिन हमारा जो नेशनल फेस्टिवल यानी कि रिपब्लिक डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1950 में हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू किया गया था, इसीलिए ये रिपब्लिक डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेम्बर महात्मा गांधी ऑन हिज बर्थडे। और इसी दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी जो थे उनके बर्थडे को इस दिन हम उनको याद करते हैं, उनका बर्थडे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऑन दिस डे अ प्रेयर मीटिंग इज हेल्ड एट राजघाट इन दिल्ली विच इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। और इसी दिन जो राजघाट पर दिल्ली में राजघाट पर एक प्रेयर की जाती है यानी कि उनको नमन किया जाता है उस दिन, और उनकी वहाँ पर समाधि भी है उसी जगह पर यानी कि राजघाट में, जिसमें उनको स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डिड यू नो गांधी जयंती इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। आपको पता है कि जो गांधी जयंती है यानी कि उनका जो बर्थडे है वो पूरे विश्व में नॉन वायलेंस के डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारे जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, उन्हें मार धाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इसीलिए उनके बर्थडे को भी इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में नॉन वायलेंस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको जो परेड दी हुई है जो 26 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है उसका एक पिक्चर यहाँ पर दी हुई है। अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे तो आप इस परेड को डायरेक्टली वहाँ पर देख सकते हैं। ऑल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। ये रिपब्लिक डे परेड में ये यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ये आर्म्ड फोर्स है जो पार्टिसिपेट कर रही है इस परेड में। और नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे ऑन गांधी जयंती, यहाँ पर देखिए पीपल विजिट राजघाट, जो लोग हैं यहाँ राजघाट पर आते हैं एंड इन न्यू दिल्ली टू रिमेम्बर महात्मा गांधी। और यहाँ पर आकर के हम
उनको उनकी प्रेयर करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 73। नेक्स्ट हमारे फेस्टिवल्स जो आते हैं वो हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और सभी के अपने अलग अलग फेस्टिवल्स भी हैं जिनको हम मिलजुल कर काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स सेलिब्रेट देयर ओन स्पेशल फेस्टिवल्स कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो जो लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उनके खुद के कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जिनको बोला जाता है रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि धार्मिक त्यौहार जो होते हैं। एंड देयर आर मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए सबसे पहले आती है दिवाली, तो वो तो आपने जस्ट अभी कुछ दिन पहले सेलिब्रेट की ही थी। आपको पता है कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो लाइट्स का फेस्टिवल है। आप अपने घरों में दिए जलाते हैं, लोग जो हैं घी के दिए जलाते हैं, लाइटनिंग करते हैं, अपने घरों को लाइट से सजाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, इसीलिए इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। एंड ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस। जो लोग होते हैं वो अपने घरों को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? विद दियाज, कैंडल्स एंड लाइट्स। वो दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। पीपल ऑल्सो वियर न्यू क्लोथ्स, एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड प्रिपेयर स्पेशल डिशेज एंड स्वीट्स। और इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने जो गिफ्ट्स हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और स्पेशल डिशेज और स्वीट्स भी इस दिन बनाई जाती हैं। आपकी मम्मा ने भी बनाई होंगी ना? यस, तो स्वीट्स बनाते हैं, डिफरेंट डिशेज जो है वो इस दिन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है होली। होली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है वो रंगों का त्यौहार होता है। उसमें आप अलग अलग तरीके के कलर्स जो हैं वो एक दूसरे को लगाते हैं। एंड दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाई पुटिंग गुलाल कलर्ड पाउडर। जो गुलाल होता है वो लगाया जाता है एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। जो कलरफुल वाटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। और रंगों का त्यौहार होता है। जो जो भी जिसके भी बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि होली के दिन वो सब कुछ ख़त्म करके और सारे जो हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल आता है दशहरा। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। जो दशहरा है अभी वो भी हमने कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया था। दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा हम लोग मनाते हैं, ये दर्शाता है जो भगवान राम थे, लॉर्ड रामा जो थे, उन्होंने रावण को इस दिन जो है वो ख़त्म किया था। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हुए हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा इज़ कंसिडर्ड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ये जो भगवान राम की जो विजय थी वो दर्शाती है बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, है ना। सो दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो सेलिब्रेट एज दुर्गा पूजा। ये जो फेस्टिवल है यानी कि दशहरा जो है वो दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि इन सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री। और कुछ कंट्री के कुछ जगहों पर इसको नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, दुर्गा पूजा के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईद। ईद इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ईद ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही खुशियों के साथ में ये मनाया जाता है। एंड ऑन दिस डे पीपल प्रे टुगेदर एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। और इस दिन जो लोग होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिल कर के प्रार्थना करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन ईदी
और गिफ्ट मनी, जो पेरेंट्स होते हैं और जो रिलेटिव्स होते हैं वो बच्चों को ईदी ईदी या ईदी मीन्स गिफ्ट मनी, कुछ गिफ्ट के रूप में उनको मनी देते हैं। एंड अ स्वीट डिश कॉल्ड सेवई इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस फेस्टिवल। और एक स्वीट डिश जो है जिसको बोलते हैं सेवैया, वो इस फेस्टिवल पर मनाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिसमस। क्रिसमस तो हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे अच्छे बहुत ही यमी यमी चॉकलेट्स भी बनाते हैं, है ना। तो देखिए, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। जो 26 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये जो फेस्टिवल है वो जीसस क्रिस्ट का बर्थडे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऑन दिस डे पीपल अटेंड स्पेशल प्रेयर हेल्ड एट चर्चेस। और इस दिन लोग जो हैं वो एक स्पेशल प्रेयर जो चर्च में होती है उसको अटेंड करते हैं। एंड दे ऑल्सो डेकोरेट क्रिसमस ट्री, और वो क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, अच्छे अच्छे न्यू क्लोथ्स वेयर करते हैं, पहनते हैं। एंड विश ईच अदर, और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। दे एक्सचेंज कार्ड्स केक्स एंड गिफ्ट्स, और वो एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, विशिंग ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, विश करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, एक दूसरे को केक देते हैं और गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 74। नेक्स्ट आता है गुरु पर्व। पीपल सेलिब्रेट गुरु पर्व इन द ऑनर ऑफ द 10th सिख गुरु। जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ये जो 10th सिख गुरु थे उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये जो फेस्टिवल है गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। एंड ऑन दिस डे स्पेशल प्रेयर एंड लंगर आर हेल्ड एट गुरुद्वाराज। तो इस दिन गुरुद्वारे में स्पेशल लंगर लगाए जाते हैं, प्रेयर की जाती है, और जितने भी जो लोग जो आते जाते लोग हैं वो यहाँ पर इस लंगर में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। बहुत ही साफ़ सफाई से यहाँ पर जो है वो खाना खिलाया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लंगर। लंगर और फ्री मील, बिल्कुल मुफ्त में इसमें खाना खिलाया जाता है, जो कि गुरुद्वारे में ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इन मैनी प्लेसेस ह्यूज प्रोसेशंस आर ऑल्सो टेकन आउट। और इस दिन बड़े बड़े जो बड़े बड़े यहाँ पर जो जुलूस हैं वो निकाले जाते हैं, यानी कि शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाती है इस दिन, और सारे लोग इकट्ठे होकर के इनको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो गौतम बुद्ध के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। एंड महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा। और जो महावीर जयंती है, हम जो लॉर्ड महावीरा थे उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो खेतों में खेती करते हैं, और अलग अलग सीजन्स में यहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। लेकिन जब वो क्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, बन करके यानी कि पक करके रेडी हो जाती हैं, तो किसान नेचुरल सी बात है उसको जब सेल आउट करेगा मार्केट में तो उसको मनी मिलेगी, है ना। तो वो काफ़ी हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो फेस्टिवल्स हैं, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से अलग अलग टाइम पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से कैसे कैसे फेस्टिवल्स हैं इसमें। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
खाना यानी कि फूड हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो फूड फॉर अस। और जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत वर्क हार्ड करते हैं, तब जा करके वो इस फूड को खेतों में उगाते हैं, है ना। दस व्हेन वी गेट अ ह्यूज प्रोड्यूस ऑन द लैंड वी ऑल सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल। तो जब हमारी जो प्रोडक्शन होती है हमारे खेतों पर, जब बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो बन करके फसल पक करके तैयार होती है, तो हम इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं। कैसे, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं ये? बैसाखी, बैसाखी जो कि हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है, ओणम एंड पोंगल जो कि सदर्न इंडिया में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, आर द थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये जो मेन थ्री हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल्स हैं जो हमारे इंडिया में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ थोड़े से और भी फेस्टिवल्स हैं जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे सम अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया इंक्लूड बिहू, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, छठ पूजा, नवरोज़, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे एंड एनवायरनमेंट डे। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इंडिया है यानी कि हमारा जो भारत है वो क्या है, त्योहारों की धरती है। डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स जो हैं हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसी से तो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, है ना। फेस्टिवल्स क्या रोल प्ले करते हैं? फेस्टिवल्स हमें आपस में मिलजुल करके रहना सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और जो भी हमारे लड़ाइयां हैं उनको ख़त्म करके हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, है ना। तो फेस्टिवल्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपके पास जो बुक है आपको डिफरेंट फेस्टिवल्स के पिक्चर्स लेने हैं और उनको अपनी नोटबुक के लेफ्ट साइड पर पेस्ट करना है और डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको आपको अपने राइट साइड के पेज पर लिखना है कि कितने टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं और कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये राइट साइड में आप बनाएंगे ये माइंड मैप और लेफ्ट साइड के पेज पर आपको इनके पिक्चर्स भी पेस्ट करने हैं। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।